प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ गई। इस जीत में सेनापति मीर जाफर की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसने अपने मालिक सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया और मुर्शिदाबाद में सिराजुद्दौला के तख्त पर वो बड़ी शान से बैठ गया। इसके बदले मीर जाफर ने कंपनी को 24 परगने की जागीरदारी सौंप दी। लेकिन मीर जाफर अपनी गद्दी पर एक दिन भी चैन से न बैठ सका। वो एक कमजोर, अयोग्य और नासमझ शासक सिद्ध हुआ। वो अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बनकर रह गया। क्लाइव की इच्छा के खिलाफ वो कोई काम नहीं कर सकता था। अंग्रेजों की बढ़ती हुई जातियों से तंग आकर मीर जाफर ने अपने नौजवान दामाद मीर कासिम को कलकत्ते भेजा, ताकि वो अंग्रेजों से बातचीत करे और उनका दबाव कुछ कम हो जाए। लेकिन अंग्रेजों ने नई चाल चली और मीर कासिम को अपनी ओर मिला लिया। ये तय किया गया कि मीर कासिम को वजीर बनाकर उसे तमाम अधिकार दे दिए जाएं और मीर जाफर को खर्च के लिए कुछ रकम बतौर पेंशन दे दी जाए। 20 अक्टूबर 1760 को सूरज निकलने से पहले मीर जाफर का महल अंग्रेजों की फौजों ने घेर लिया। मीर जाफर को जब अंग्रेजों की नई चाल का पता चला तो वो किस तरह परेशान हुआ, इसका एक चित्र अंग्रेज इतिहासकार कर्नल मालसन के शब्दों में। उस सुबह को बूढ़े नवाब को उस दिन की अवश्य याद होगी जब उसने प्लासी के मैदान में अंग्रेजों का साथ दिया था और अपने मालिक तथा रिश्तेदार सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था। मीर जाफर अवश्य इस समय सोचता होगा कि यदि प्लासी में मैं अपने उस बालक रिश्तेदार के साथ वफादार रहा होता, जिसने अत्यंत हसरत भरे शब्दों में मुझसे अपनी पगड़ी की लाज रखने की प्रार्थना की थी, तो मेरी हालत कितनी अच्छी होती। जिस सत्ता को मैंने इतने नीच और गलत तरीके से प्राप्त किया था, उससे मुझे क्या फायदा पहुंचा? वे लोग जिनके हाथ मैंने अपना मुल्क बेचा था, आज वे मुझे डरा रहे हैं। जो गुस्ताख विदेशी प्लासी से अब तक मुझ पर हुक्म चलाते रहे और जो अब मुझे गद्दी से उतारने की धमकी दे रहे हैं, यदि प्लासी में मैंने उनके नाश की वजह बनने का यश प्राप्त कर लिया होता, तो इस समय मेरे हाथों में असली हुकूमत होती, मेरा नाम इज्जत से लिया जाता और मेरा मुल्क बच गया होता। आखिर मीर जाफर को अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने पड़े और अंग्रेजों की नींव और मजबूत होने लगी। उन्होंने मीर कासिम से बंगाल के 3 जिले और ले लिए, साथ ही 3 करोड़ रुपए का सोना आदि वसूल किया। सन 1759 में दिल्ली की गद्दी पर मुगल बादशाह शाह आलम बैठा। अंग्रेजों ने अपनी चालों से शाह आलम को अपनी ओर मिलाने की कोशिश शुरू कर दी। उस समय सारे भारत पर अपनी हुकूमत जमा लेने के लिए अफगानों, मराठों और अंग्रेजों के बीच तिकोना संघर्ष शुरू हो चुका था। देश को विदेशी सत्ता के चंगुल से बचाने का उस समय एक ही उपाय था कि सभी देशवासी किसी एक शक्ति के नेतृत्व में संगठित हो जाते। वो शक्ति थी मुगल सम्राट। किंतु इसी बीच यानी 6 जनवरी 1761 को पानीपत के मैदान में अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। मराठे तो हार गए, पर अब्दाली को भी जीत के बावजूद काफी नुकसान उठाना पड़ा। वो अफगानिस्तान लौट गया और इधर
मराठे कमजोर हो गए। बच रहे केवल अंग्रेज, जिन्होंने अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। मुगल बादशाह शाह आलम को 26 लाख रुपया देने का वादा करके इस बात के लिए मजबूर किया गया कि वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दें। मजबूर होकर शाह आलम ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सौंप दी, जिसका मतलब ये था कि मालगुजारी वसूल करने और दीवानी के मामले निपटाने का अधिकार अंग्रेजों को मिल गया। सन 1765 से 1772 तक बंगाल में अंग्रेजों का ये शासन इतना भयानक था कि उसने बंगाल को चूसकर कंकाल बना दिया। सारे बंगाल में तबाही, गरीबी, भुखमरी और अकाल फैल गए। चारों ओर मौत नजर आने लगी। सन 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स कंपनी का गवर्नर बनकर कलकत्ता आया। इतिहासकार कहते हैं कि क्लाइव ने देश में अंग्रेजी राज की जो बुनियाद रखी थी, वॉरेन हेस्टिंग्स ने उसे और भी पक्का किया। उसके सामने एक ही बात थी, चाहे ईमानदारी से हो या बेईमानी से, जैसे भी हो, जल्दी से जल्दी भारत की अधिक से अधिक दौलत को इंग्लैंड भेज दिया जाए। अब आइए महाराष्ट्र की ओर चलें। ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती हुई ताकत और सत्ता के लिए मराठों की ताकत आंख का कांटा बनी हुई थी, इसलिए अंग्रेजों ने एक चाल खेली। उस समय पेशवा की गद्दी पर रघुनाथ राव बैठा हुआ था, क्योंकि गद्दी का असली मालिक उसका भतीजा नारायण राव अभी नाबालिग था। अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को युद्ध का झूठा भय दिखाकर अपनी ओर मिला लिया। इस तरह मराठा दरबार में उनका आना जाना शुरू हो गया। किंतु पेशवा के दरबार में उन दिनों एक बहुत दूरदर्शी और चतुर व्यक्ति मौजूद था, जो अंग्रेजों की सारी चालों को समझ रहा था। वो व्यक्ति था नाना फडणवीस। वो समझ रहा था कि राघोबा मराठा साम्राज्य की नींव कमजोर कर रहा है, पर राघोबा ने उसकी बात नहीं मानी। 30 अगस्त 1773 को राघोबा ने पेशवा नारायण राव की हत्या करवा दी। इस साजिश में अंग्रेजों का पूरा पूरा हाथ था। राघोबा अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बन चुका था। नाना फडणवीस ने मराठा राज्य को अंग्रेजों के चंगुल से बचाने की भरसक कोशिश की। इतिहासकार कहते हैं कि नाना फडणवीस ने कर्नाटक के वीर हैदर अली से मिलकर जिस तरह अंग्रेजों की चालों को नाकाम करने की कोशिश की थी, उसमें अगर उसे सफलता मिल जाती तो उस समय देश से विदेशी सत्ता का अंत हो गया होता। किंतु अपने ही लोगों ने उसे धोखा दिया। कर्नाटक के दो वीरों की कहानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में बड़े सम्मान से लिखी गई है। ये वीर थे हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान। हैदर अली एक मामूली फकीर का बेटा था। हैदर अली ने बचपन से ही घुड़सवारी, निशानाबाजी, हथियार चलाना और लड़ाई के तौर तरीके सीख लिए थे। बड़ा होकर हैदर अली मैसूर की फौज में भर्ती हो गया। हैदर अली की वीरता और साहस ने कुछ ही समय में उसे मैसूर का प्रधान सेनापति बना दिया। उस समय रियासत का प्रधानमंत्री एक मराठा सरदार खांडेराव था। उसने मराठों से चुपचाप मिलकर मैसूर पर हमला करवा दिया। इस युद्ध में हैदर अली ने विजय पाई और खांडेराव के विश्वासघात का सबको पता चल गया। मैसूर के महाराजा ने प्रसन्न होकर हैदर अली को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। उधर अंग्रेज भला ये कैसे सहन कर सकते थे कि हैदर अली की ताकत बढ़े। उन्होंने हैदर अली से छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी। कर्नाटक के कई किले खाली करवाए गए और उन्हें जीत लिया गया।
हैदर अली के बेटे फतेह अली टीपू की उम्र उस समय 18 वर्ष की थी। तब भी अपने पिता के साथ युद्ध के मैदान में वो मौजूद रहता था। कर्नाटक को अंग्रेजों से खाली कराने और उस पर अधिकार करने के बाद हैदर अली ने टीपू को 5,000 सैनिकों के साथ मद्रास की ओर भेजा, जहां अंग्रेजों का जमाव था। टीपू ने मद्रास के किले से 5 मील दूर सेंट थॉमस की पहाड़ी पर कब्जा कर लिया और आसपास के अंग्रेजी इलाके को अपने अधीन कर लिया। इसके बाद कुछ ही दिनों बाद हैदर अली भी अपनी सेना लेकर मद्रास की ओर बढ़ा। मद्रास में अंग्रेजों का क्या हाल हुआ, इसका रोचक विवरण एक फ्रांसीसी इतिहासकार ने प्रस्तुत किया है। वो लिखता है, मद्रास विजय के अवसर पर हैदर ने अंग्रेजों से कहकर मद्रास के सेंट जॉर्ज के किले के सदर फाटक पर एक चित्र बनवाया, जिसमें हैदर एक शामियाने के नीचे तोपों के ढेर पर बैठा है। पीछे की ओर सेंट जॉर्ज का किला है, जिसकी फसील पर गवर्नर और उसके अंग्रेज साथी घुटनों के बल बैठे हुए हैदर की ओर अपने हाथ बढ़ा रहे हैं। अंग्रेज दूत डुप्ले और बॉशियर हैदर के सामने जमीन पर घुटने टेके बैठे हैं। डुप्ले की नाक की जगह हाथी की सी सूंड बनी हुई है। हैदर उसकी सूंड को पकड़े हुए हैं, जिसमें से अशर्फियां खनाखन गिर रही हैं। दूसरी ओर पराजित अंग्रेज सेनापति जनरल स्मिथ संधि पत्र हाथ में लिए हुए अपने हाथ से अपनी तलवार के दो टुकड़े कर रहा है। अंग्रेजों की इस हार का असर ये हुआ कि इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी के हिस्सों की दर गिरकर 40% रह गई। हैदर और टीपू की विजय की खबरें पहुंचते ही इंग्लैंड में कंपनी की साख गिरने लगी। इसके बाद हैदर अली ने नाना फडणवीस के साथ मिलकर जिस तरह अंग्रेजों को मात दी थी, उससे अंग्रेज घबरा उठे थे। लेकिन 6 दिसंबर 1782 की रात को हैदर अली की अचानक मृत्यु हो गई, जिससे नाना फडणवीस की सारी आशाएं चूर चूर हो गईं, जबकि अंग्रेजों के लिए हैदर अली की मृत्यु वरदान साबित हुई। हैदर अली के बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान कर्नाटक का शासक बना। अंग्रेजों ने उसे भी चैन से न बैठने दिया, उसको बदनाम किया, उसके साथ धोखा किया और उसे युद्ध में उलझाए रखा। लेकिन टीपू भी अंग्रेजों के लिए बड़ी दहशत था। अंग्रेज उसके नाम से खौफ खाते थे, किंतु अंत में वो भी अपने ही लोगों के विश्वासघात का शिकार हुआ। अपनी अंतिम सांस तक वो बहुत बहादुरी से लड़ा। वो कहा करता था, 2 दिन शेर की तरह जीना ज्यादा अच्छा है बजाय 200 वर्ष भेड़ की तरह जीने के। श्रीरंगपट्टम स्थित टीपू की कब्र आज भी उसके साहस और वीरता के गुण गाती है।